हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECS T10 वेनिया में होने वाले आज के चौथे मुकाबले की। सेल्वर्स और पाकिस्तान सीसी के बीच में मैच होने वाला है। दोनों ही टीम्स अपना पिछला मैच जीत कर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान सीसी जो अपना VIA के खिलाफ, मतलब अफगान के खिलाफ मैच जीत कर आ रही है, और सेल्वर्स जो अपना पिछला मैच ऑस्ट्रिया के खिलाफ जीत कर आ रही है। पिछले मैच की परफॉर्मेंस सही मैं आपको बता दूंगा, प्लस उनसे पिछले मैच की टेबल की अगर आप बात करो तो सेल्वर्स अभी तक जो है नंबर वन पायदान पर है और पाकिस्तान जो है यहाँ पर तीसरे पायदान पर है। हो सकता है ये जो मैच इनके लिए मतलब गेम चेंजिंग भी हो सकता है कि अगर भैया ये जीत गए तो ये सीधा नंबर वन पर पहुँच जाएंगे, तो वो देखने भाई मज़ा आएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस वैसे बिल्कुल ठीक ठाक रही है। सेल्वर्स पांच मैचेस जो इनके कंप्लीट हुए हैं उसमें देखो तो भैया तीन इसने विन करे हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान की अगर आप बात करो तो चार मैचेस जो इनके कंप्लीट हुए हैं उसमें जो है दो इनने विन करे हैं और यहाँ पर दो हारे हैं। सेल्वर्स एक हारी है और एक जो रहा इनका ड्रॉ रहा, मतलब जिसमें रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके बाद हमारे पास कौन सा मैच है, इसके बाद हमारे पास है भैया जमैका और सेंट लूसिया के बीच में मैच। तो ये जो है टीम मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, पहले चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, वहीं से आप जो सारे की सारी डिटेल ले सकते हो। हर एक प्लेयर की डिटेल लेकर आया हूँ, प्लस साथ में प्लेयर्स बैटल भी लेकर आया हूँ, मतलब कौन सा प्लेयर किस प्लेयर के सामने कितना, मतलब कौन सा बॉलर किस बैट्समैन के सामने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है, या कौन सा बैट्समैन किस बॉलर के सामने बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेल्वर्स और पाकिस्तान सीसी की, तो अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान सीसी के चार मैचेस जो ये हुए थे उसमें दो दो मैचेस, मतलब दो हारे से दो जीते थे, और अभी जो पांचवा मैच इनका हुआ जो VIA मतलब अफगान के खिलाफ हुआ, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोलते कि भैया बिलाल जलमी एक ऐसा प्लेयर है जो आपको बहुत बढ़िया करके दे देगा, पर वो ये कि थोड़ा सा रिस्क था इसे लेकर जाने का। मैंने ग्रैंड लीग में यूज़ करा, एज अ कैप्टन रखा था इसे, और इसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी है। 43 रन के साथ दो विकेट इस प्लेयर ने चटकाई हैं। एस खान आपके पास 17 रन के साथ, इसने भी दो विकेट चटकाई हैं। नवीद हसन एक ऐसा प्लेयर जो अभी तक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था पर पिछले मैच में नहीं चला, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इसे चेंज कर लेना। टेलीग्राम पर मैंने इसीलिए आपको बोला था और वीडियो में भी मैंने इसे बोला था कि यार मेरा मन नहीं है नवीद हसन को लेकर जाने का, क्योंकि पहली बात तो पिछले दो मैच से फ्लॉप रहा, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया बॉलिंग भी इतनी बढ़िया नहीं रही इसकी, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था। उसके बाद जेड आरिफ आए, उन्होंने यहाँ पर 27 रन मारे, और यहाँ पर अगर आप देखो जेड आरिफ की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही है, 29 रन, 37 रन, और उसके बाद फिर पिछले मैच में 27 रन। उसके बाद जे सदरान आपके पास थे जिसने पिछले मैच में 32 रन मारे, और यहाँ पर अगर आप देखो तो 19 रन के साथ एक विकेट, 17 रन के साथ दो विकेट और दो रन। उसके बाद हमारे पास एम जलमी एक ऐसा प्लेयर जो जिसने पिछले मैच में अपना पहला मैच खेला। उसके बाद हमारे पास अकबर जान है जिन्होंने 0 रन बनाए, पर पाकिस्तान ने जो पिछले मैच में 131 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, और वहाँ पर जो है ये मैच जीत कर आ रहे हैं वो वाला। यहाँ पर आप और भी प्लेयर्स के स्टैट देख सकते हो, हर एक प्लेयर के स्टैट देख सकते हो, देखना चाहो। सदनान खान आप देखो भैया 11 11 11 और फिर 3 विकेट और 1 विकेट, ये विकेट भी चटका रहा था, और यहाँ पर बिलाल जलमी की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही थी, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इस प्लेयर को आप रख सकते हो। उसके बाद एन हसन आपके पास है, इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक, मतलब पिछले मैच में तो नहीं पर ओवरऑल देखोगे तो ठीक ठाक परफॉर्मर है अपनी टीम के लिए। एन हसन आज के अभी के मैच में भी आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, पर अभी के मैच में मेरा मन कर रहा है कि हाँ भैया मैं लेकर जाऊँ इस प्लेयर को, तो कहीं ना कहीं मैं इसे फिट करूंगा अपनी स्मॉल लीग में, क्योंकि ऑलराउंडिंग सेक्शन में 5 प्लेयर 6 प्लेयर ऐसे हैं जो भैया बहुत बढ़िया हैं, और मैं उनके सिनेरियो भी आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर कब बढ़िया करेगा कब नहीं। अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आप सारे के सारे प्लेयर्स देख सकते हो, और पिछले मैच की बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ कौन कौन से प्लेयर्स ने कितने ओवर करवाए, एन हसन ने सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर करवाया, एम जलमी ने 1 ओवर करवाया और 2 विकेट चटकाई। मोहम्मद जलमी जो आपको पिछले मैच में खेलता हुआ दिखा प्लेयर जिसने 0 रन बनाए, यहाँ पर वो अगर मैं बात, उसने 1 ओवर करवाया 2 विकेट चटकाई। उसके बाद नान खान 2 ओवर 2 विकेट उसने चटकाई। उसके बाद जे जदरान 2 ओवर 2 विकेट। उसके बाद आई दीर ने 1 ओवर करवाया 2 1 विकेट चटकाई। उसके बाद बी जलमी ने 2 ओवर करवाए 1 विकेट चटकाई। तो ये इनके पिछले मैच की परफॉर्मेंस थी। अब अगर पाकिस्तान सीसी की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे प्लेयर्स, हर एक प्लेयर के स्टैट्स यहाँ पर हैं, यहीं से मैंने आपको स्टैट दिए थे। देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ बाल मोहम्मद जलमी, ये रहा 2016 में इसने एक मैच खेला था उसमें 3 ओवर करवाए थे 0 विकेट चटकाई थी, और ये मैंने आपको काफ़ी थक गया, ग्रैंड लीग का ही प्लेयर था ये, तो स्मॉल लीग का तो था ही नहीं, और ग्रैंड लीग में मैंने ट्राई करा और स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई कर रहा था, तो हमारे लिए 2 विकेट देकर गया, तो बहुत बढ़िया प्लेयर है हमारे लिए।
अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेल्बर्स की, तो सेल्बर्स सबसे पहले आप स्टैट देख लो, तब तक मैं सेल्बर्स की बात अगर करूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया सेल्बर्स के किस किस प्लेयर ने क्या क्या परफॉर्मेंस करी है, क्या क्या नहीं करी है। यहाँ पर अगर आप देखो, 3 मैचेज इनके कम्प्लीट हुए थे और चौथा मैच आज इनने खेला। जो चौथा मैच इनका था वो एक ACW के खिलाफ था, जो मैच नहीं हुआ कल के दिन का। अब जो इनका जो पांचवा मैच था आज के दिन का जो मैच हुआ, वो ये जीत कर आ रहे हैं। अबरार बिलाल 0 रन इसने बनाए, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही। और दूसरी बात ये, पिछले मैच में इससे बॉलिंग भी नहीं करवाई गई अबरार बिलाल से। और पाकिस्तान के प्लेयर आपको पता है कितने बढ़िया हैं कितने नहीं हैं, तो उस हिसाब से आप अबरार बिलाल को रखना कि आप जो स्मॉल लीग में लेकर जा रहे हो, उस प्लेयर को स्मॉल गेंद लीग में लेकर जा रहे हो। जेड ओरिया आपको बॉलिंग भी करवाता हो दिखा, एक विकेट इसने चटकाई, प्लस 7 में अगर मैं बात करूँ तो 10 रन इसने बनाए। फिर उसके बाद एन अहमद ने 28 रन आपको बना के दिए। उसके बाद वो हमारे पास जो है अगला प्लेयर मिर्ज़ा हसन था, जिसने यहाँ पर 14 रन बनाए। जाहिद खान ने 11 रन बनाए और नीचे के प्लेयर्स की ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आतिफ मोहम्मद ने 1 विकेट चटकाई और यहाँ पर साद चीमा ने 1 विकेट चटकाई। ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच था ही नहीं, 81/6 और ये मतलब जीत गए मैच। यहाँ पर आप और सारे प्लेयर्स के सेट देख सकते हो। नीचे आप देखो भैया बॉलिंग डिपार्टमेंट जैसा रहा है इनका, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 3 मैचेस, चौथा जो आज का मैच हुआ ना इन दोनों टीम्स का, वो मैं अभी अपडेट नहीं कर पाया था और टाइम हो गया, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना ली। बस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप सारी की सारी डिटेल देख सकते हैं। आपको स्टैट्स सारे के सारे बता दिए, आज के दिन के भी जो रहे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले, जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं, एन अहमद ए आरिफ दोनों प्लेयर बहुत बढ़िया हैं, दोनों ही प्लेयर आपको बढ़िया रन करके देंगे। अब एन अहमद अगर आप रखते हो तो भैया एन अहमद आपको तीसरे नंबर पर आता हुआ दिखेगा। ए आरिफ की अगर आप बात करो तो ए आरिफ जो आपको आता हुआ दिखेगा वो भी मतलब मिडल ऑर्डर में आता हुआ हमें दिखता है और मिडल ऑर्डर में यहाँ के बैटिंग करता है। ए आरिफ अगर आप देखो तो पिछले मैच में बहुत नीचे आया, मतलब 7वें 8वें नंबर पर, तो इसीलिए आप एन अहमद ट्राई कर सकते हो जो आपको तीसरे नंबर पर आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैटिंग सेक्शन की, जेड आरिफ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, एम हसन मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये प्लेयर मुझे लगता है इसकी बैटिंग आएगी और ये बैटिंग करके देगा हमें। उसके बाद के कैलाश और मतलब आर पंचानन, यार ये मतलब बैटिंग सेक्शन में इतने बेकार प्लेयर हैं ना, इनसे तो मतलब वही नहीं है, कुछ उम्मीद ही नहीं है कोई प्लेयर आपको करके देगा। एक जेड आरिफ है जो आपको कुछ करके दे देगा, एम हसन मुझे लग रहा है ये बढ़िया करके दे देगा। इन दोनों में से जोन सा मर्जी प्लेयर यूज़ कर लो। अगर क्रेडिट बचाने हो तो आर पंचायनन यूज़ कर लो, नहीं तो के कैलाश यूज़ कर लो। के कैलाश के बैटिंग आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, आर पंचायनन के थोड़े से कम है। यहाँ पर मैं अभी जो लेकर जा रहा हूँ, मैं थोड़े क्रेडिट अपने बचा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ए बिलाल, अब इस प्लेयर को देखो, पिछले मैच में इसने ना बॉलिंग करी ना बैटिंग करी, बिल्कुल मतलब जो इसके पॉइंट्स भी रहे वो डक के माइनस के पॉइंट, देखो 2 पॉइंट है वो -2 हुए, उसने और कुछ नहीं करा, तो बिल्कुल ही फ्लॉप रहा ये पिछले मैच में। अब यहाँ पर जेड ओरिया गोरिया आपके पास हैं, 2 ओवर करवाए और प्लस आपको ओपन करता हुआ दिखा बैटिंग में। उसके बाद एन हसन आपके पास हैं, एन हसन आपको ओपन करता हुआ दिखता है पर पिछले मैच में इसने 1 ही ओवर करवाया। और पिछले मैच में मैंने आपको बोला भी था यार ये मुझे बढ़िया नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि यार परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब थोड़ी थोड़ी सी गट फीलिंग देखो और सही बताऊँ तो ये आ रही है कि हाँ मैं इसे रखना चाह रहा हूँ इस प्लेयर को अपनी टीम में। पर नीचे अगर आप देखो सदनान खान और बी जलमी, ये तीनों के तीनों प्लेयर ना अपनी टीम के स्टार परफॉर्मर हैं, तीनों के ऊपर ही टीम टिकी हुई है। और ऊपर अगर आप देखो तो जेड गोरिया और ये दोनों, अब ये 5 प्लेयर हैं, इसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, एक ऐसा प्लेयर जो परफॉर्म हमें ना करके दे। पिछले मैच में ए बिलाल ने बॉलिंग नहीं करी, एक चीज़ ये आप नोट करो, जेड गोरिया ने 2 ओवर करे, एन हसन आपको तीसरे नंबर पर आता हुआ दिखा, ए बिलाल और बी जलमी, पर सामने वाली टीम इतनी तगड़ी है तो ए बिलाल हो सकता है आज के मैच में, इस मैच में मतलब बॉलिंग करवा के दे। अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे है, अब आपके ऊपर है इन 5 में से कौन से 4 प्लेयर लेकर जा रहे हो। मेरी अगर आप बात करो तो यार मैं ए बिलाल लेकर जाना चाहता हूँ, जी गोरिया लेकर जा रहा हूँ, एन हसन फिर एक और बार मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, पर हो सकता है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाए, क्योंकि अभी जो मुझे लग रहा है शायद बहुत बढ़िया परफॉर्म करके जाएगा। और एस खान मैं रख रहा हूँ और बिलाल जलमी मैं रख रहा हूँ। बिलाल जलमी आपको, ये तीनों ही प्लेयर मतलब ये 5 ही प्लेयर ना आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग करवा के दे सकते हैं। बस ए बिलाल का ये है कि इसने पिछले मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, पर उससे पीछे मैचेस में इसने बॉलिंग करवाई। और मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई एक प्लेयर इसमें से ना खेले ना इन 5 मैचों, तो हमारे लिए टीम बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बॉलिंग सेक्शन में जे सदरान आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग करवा के दे रहा है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, तो इसे हम रखने वाले हैं। फिर उसके बाद आई दीदार, एक ऐसा प्लेयर जो हर एक मैच में एक एक विकेट लेकर जा रहा है। उसके बाद जेड खान और एस हयात में से आपके पास एक ऑप्शन है, देखो 5-5 ऑप्शन है, जैसी मर्जी 6-5 की टीम रख लो, 6 सेल्बर्स के ले जाओ या 5 पाकिस्तान जा के ले जाओ, या तो वाइस वर्सा कर लो,
दोनों आपके ऊपर है, आप जैसा लेकर जाना चाहो। अभी के लिए मैं लेकर जा रहा हूँ जैड खान को। होगा अगर एसयात खेलेगा तो एसयात को भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो टीम है यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, ये हमारे एन अहमद रखी हुई है, जेड अरीफ है, फिर उसके आधार पंचायनन है, ए आसान है, फिर उसके एम आसान है, फिर उसके बाद एस खान, बी जलमी, उसके बाद जेड गोरिया, ए बिलाल, फिर उसके बाद जेड सदरान, आई दीदार और यहाँ पर जेड खान। पूरी की पूरी टीम हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती दिखेगी स्मॉल लीग में। कप्तान वाइस कप्तान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मैं कप्तान लेकर जा रहा हूँ वो थोड़ा सा रिस्की मैं रखना चाह रहा हूँ, तो जेड गोरिया एज अ कैप्टन, ठीक है। और वाइस कप्तान जो मैं लेकर जा रहा हूँ वो लेकर जा रहा हूँ एस खान एज अ वाइस कप्तान। तो ये टीम हमारे लिए रहेगी स्मॉल लीग की थोड़ी सी, देखो भैया थोड़ी सी रिस्की भी है अगर मैं सही बताऊँ ना आप सबको तो, क्योंकि जेड गोरिया एज अ कप्तान थोड़ा सा रिस्की हो सकता है हमारी टीम के लिए। पर अगर आप रिस्क लेना चाहो, नहीं तो आप सेफ जाना चाहो, ए बिलाल रख लो यार। ए बिलाल देखो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कप्तान वाइस कप्तान 6-5 की टीम, तो वो आप ऐसा भी करके लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टीम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कप्तान जो मैंने रखा हुआ है वो रखा हुआ है ए बिलाल, वाइस कप्तान एस खान रखा हुआ है, फिर जेड अरीफ है, मसन है, के कैलाश है, बी जलमी, फिर उसके बाद जेड गोरिया, उसके बाद ए अरिफ, जे सदरान, फिर उसके बाद आई दीदार और यहाँ पर जेड खान। पूरी की पूरी टीम हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी स्मॉल लीग में, चाहो स्मॉल लीग में, स्मॉल ग्रैंड लीग में चाहो स्मॉल ग्रैंड लीग में। यहाँ पर इस टीम की भी अगर तीसरी टीम की मैं बात करूँ, स्मॉल लीग में चाहो स्मॉल लीग में, स्मॉल ग्रैंड लीग में चाहो स्मॉल ग्रैंड लीग में लेकर जा सकते हो। आपके ऊपर, आपको कैसी लग रही है टीम, आपको गट फीलिंग आ रही है कि अच्छी टीम बढ़िया परफॉर्म कर जाएगी, तो रख लो भैया स्मॉल लीग में। अब ये जो टीम है ना, यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान स्विच कर लेना, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने सेफ बनाने की कोशिश करी थी, पर मैं इसके साथ अब जाऊंगा नहीं। ए बिलाल एज अ कैप्टन नहीं रखूंगा मैं, एन हसन एज अ कैप्टन रखूंगा यहाँ पर, और वाइस कप्तान जो रखूंगा ए बिलाल मैं वाइस कप्तान वैसे तो रखूंगा यार, इतना बेकार भी प्लेयर नहीं है। यहाँ पर ए अरीफ हमारे पास, जेड अरीफ है, फिर उसके बाद पंचायन है, के कैलाश है, फिर उसके बाद एन हसन, फिर उसके बाद बी जलमी, फिर उसके बाद जेड गोरिया, कप्तान ए बिलाल है, वाइस कप्तान यहाँ पर अभी के लिए एन हसन है, फिर उसके बाद जे जदान, आई दीदार और यहाँ पर जेड खान। पूरी की पूरी टीम हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी ग्रैंड लीग में, ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। तो यहाँ पर स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग की टीम आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।